और इबार स्वीप स्ट्रोक खेला गया बल्लेबाज की ओर से, गेंद जारी सीधी डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की ओर 4 रन के लिए। इस बार रिवर्स स्वीप स्ट्रोक खेला गया बल्लेबाज की ओर से डीप गली बाउंड्री लाइन की ओर 4 रन के लिए, और 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33-33 रन। ओवर की भी समाप्ति एम्पायर्स की ओर से, 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है। ये सेफ स्ट्रोक खेला जरूर था बल्लेबाज ने, देखना पड़ेगा फील्डर गेंद के नीचे गए, पोजीशन बनाई गई उनकी ओर से और गेंद एक टप्पा बाउंड्री लाइन की ओर 4 रन के लिए। 4 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ टीम सही टाइगर्स 11 का 39, 39 रन पारी का ये तीसरा ओवर चल रहा है। स्वीप स्ट्रोक जरूर फ्लोरिडा ईगल, को कहा जाना चाहिए, ब्रिज के ऊपर से स्ट्रोक को खेला गया डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रन के लिए। 6 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 48। ये वैसे ये स्ट्रोक बहुत चर्चा में भी रहा। इस बार आगे अगर दूर से स्ट्रोक को खेला गया डीप लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन के लिए। 6 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 61। एक मजी हुई पारी खेल रहे बल्लेबाज, सबसे वेरी सेंसिबल बैटिंग परफॉर्मेंस डीड बाय प्योर ऑलराउंडर्स निर्मल पटेल। और इस बार रिवर्स स्वीप स्ट्रोक खेला गया बल्लेबाज की ओर से, गेंद जा रही है सीधी डीप थर्ड मैन बाउंड्री लाइन की ओर 4 रन के लिए। 4 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ टीम साई टाइगर्स 11 का 65, 65 रन। मिड विकेट के ऊपर से एक स्वीप स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने, और आपने देखा एक उतना जो एक हैंड कॉम्बिनेशन था बल्लेबाज का बहुत बेहतर था, पहले जू के जरूर है, उसके बाद में मिड विकेट के ऊपर से स्ट्रोक को खेला गया, बहुत ही कन्फर्म बेहतरीन ब्रेक स्ट्रोक खेला बल्लेबाज ने, गेंद गई सीधी डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से पैरेलल 6, 50 रन, 48 नॉट आउट निर्मल पटेल।